हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइनमेंट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं। एक और स्केलिंग टेक्निक इन मशीन लर्निंग में आपके लिए लेके आ गया हूँ। पिछले वीडियो में भी एक स्केलिंग टेक्निक देखी थी अपन ने, जिसका नाम था नॉर्मलाइजेशन। आज अपन समझेंगे कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन स्केलिंग टेक्निक है क्या, कैसे काम करती है। सो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन इज अ स्केलिंग टेक्निक सच दैट व्हेन इट इज अप्लाइड टू द फीचर्स, मतलब आपके डेटा सेट के फीचर्स को जब भी अप्लाई की जाती है तो वो आपके फीचर्स जो है रीस्केल हो जाएंगे। लेकिन कैसे रीस्केल हो जाएंगे? सो दैट दे विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन जो होगा आपका जीरो होगा और स्टैंडर्ड डिविएशन वन होगा। इसको अपन जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला में ये जो जेड दिख रहा है ना, इसको अपन जेड स्कोर वैल्यू कहते हैं। ये क्या है? अपनी जेड स्कोर वैल्यू है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है जिसे अपने को जनरेट करना होता है, ठीक है। और ये एक्स क्या है? ये एक्स आपकी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है, मतलब बिफोर परफॉर्मिंग द स्टैंडर्डाइजेशन ये आपके फीचर की वैल्यू है बिफोर परफॉर्मिंग द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और ये क्या है भैया? ये आपका मीन है और ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, करेक्ट। तो अपने को करना क्या है, वो आपकी x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ये अपने को कैलकुलेट करना है। और जो रिजल्टेंट होगा वो अपना z स्कोर वैल्यू होगी, दैट विल बी अवर स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू, दैट वुड बी अवर z स्कोर वैल्यू, ठीक है। यही अपन कंप्यूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, और जिसके लिए अपने को अपने कोड में जो है भैया वी नीड टू परफॉर्म दिस लाइन, एग्जीक्यूट दिस लाइन। मतलब हमें क्या इंपोर्ट करना है? स्टैंडर्ड स्केलर हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn.preprocessing। यहाँ से अपने को ये काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इस स्टैंडर्ड स्केलर का ही अपन जो है इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर स्टैंडर्डाइजिंग अवर डेटा। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट, और इसमें अपन ने ए दे दिया। ए क्या है भैया? ए अपन का डेटा सेट है, बराबर है। तो ये अपन ने ए यहाँ पे दे दिया, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये एक तरीके से रीस्केल होगा। और रीस्केल होने के बाद जो आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इट इन दिस वे, ओके। जो रीस्केल डेटा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो आपका पहले बिफोर रीस्केलिंग जो डेटा था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, यू कैन सी इट हियर, ओके। जो कि अपन ने नॉर्मलाइजेशन के लिए डेटा इस्तेमाल किया था, वही सेम डेटा अपन ने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया। ये अपना डेटा था, और ये किस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई करने के बाद जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है वो आप यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हो। और यहाँ आप सिंपली यार वो जो फॉर्मूला है वो भी लगा के देख सकते हो, मतलब एक्स की वैल्यू, व्हाट इज द इनिशियल एक्स वैल्यू, ओके, वो सिक्स है यहाँ पे, इट इज नथिंग बट सिक्स, सही बात है। तो अब मैंने क्या करना है, सिक्स माइनस म्यू, तो अपने को क्या करना है भैया, मीन पता होना चाहिए, अपना जो एट्रीब्यूट ए है उसका मीन पता होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, सिक्स माइनस इट्स एट्रीब्यूट ए का मीन डिवाइडेड बाय द एट्रीब्यूट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन, करेक्ट। तो जब आप ये फाइंड आउट करोगे ये कैलकुलेशन, और जो जेड स्कोर वैल्यू निकलेगी इट विल बी इक्वल टू समवट 0.64, कैलकुलेट करके देख लो एक तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके जरिए आप जो है स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो अपने डेटा पे,